दादी राम राम। और ठीक है तेरी तबीयत? राम राम बेटा, बस ठीक। क्या, अब तो अगले घर जाके ठीक हो गएंगे। वैसे तो दिखाई ना देता, चल आजा अंदर बैठ के बात करेंगे। आजा बेटा, बैठ जा। एक बात बता बेटा, तो आजकल दिखाई ना देता, कहाँ रह वह? अरे दादी, दिखाई क्या ना देता, बस परेशान सा चल रहा हूँ। काम मिला कुछ चल नहीं रहा, काम के चक्कर में इधर उधर काम ढूंढता फिरूं। पहले तो बहुत अच्छा काम चल रहा, पर अब काम बिल्कुल पिटा पड़ा। मैं सोच रहा कोई काम धंधा ही मिल जा तो उसे शुरू कर दूं, पर कोई काम भी तो ना मिल रहा। देख बेटा, बुरा तो मानिए मत, पर मैं तुझे एक बात कहूँ। मैंने एक बात नोट करी, बस तू मुझे गलत मत समझिए। अरे दादी, तू कैसी बात कर रही है? बड़े बुड्ढों की बात का भी बुरा मान हुआ क्या? बता तू क्या बात है। बेटा, जब से तेरा ब्याह हुआ, तेरा सारा काम धंधा बंद होगा। तेरी बहू के पैर अच्छे ना बेटा, जब से तो तेरा नाश सही होगा। और तू इतना परेशान चल रहा, तो अपनी बहू के घर वालों से क्यों ना मदद मांग लेता? और तेरे ब्याह में भी तो कुछ ढंग का ना दिया उन्होंने। अरे दादी, नफा नुकसान, अमीरी गरीबी सब देखा जाएगा, पर उसमें उस बिचारी का क्या दोष है? ए बेटा, तू भी कतई भोला, तुझे ना पता इन सब के बारे में। किसी किसी औरत का पहरा बहुत बेकार होवे, कंगाल कर देवे आदमी को कतई। और उसकी माँ ने तुझे कौन सा दहेज में कार या बाइक दे दी, ब्याह का खर्चा भी तुझसे उठवाया, तो भोला भाला मिल गया उन्हें लूटने को। अच्छा दादी, इस बात पे तो मैंने आज तक नोटिस ही ना करा। चल अब चलू, मैं भी कोई काम धंधा देखूं। ठीक है बेटा, मैं तो तू अपना सोच के समझा दिया, ध्यान दियो मेरी बात पे, आगे तेरी मर्जी है। बेटा, जब से तेरा ब्याह हुआ, तेरा सारा काम धंधा बंद होगा। तेरी बहू के पैर अच्छे ना बेटा, जब से तेरा ब्याह हुआ, तेरा सारा काम धंधा बंद होगा। तेरी बहू के पैर अच्छे ना। ए बेटा, तू भी कतई भोला, तुझे ना पता इन सब के बारे में। किसी किसी औरत का पहरा बहुत बेकार होवे, कंगाल कर देवे आदमी को कतई। वैसे तो तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। चुप कर जा, चुप। मैं न्यू कह रहा हूँ, जिस दिन से तुम मेरे घर में आई है ना, उस दिन से तन्ने मेरे घर का नाश ठा दिया, नाश। बस अब इसके अलावा कुछ मत बोल देना, बहुत हो चुका तुम्हारा। तुम ये क्या बोल रहे हो? अच्छा, वैसे बोल रहा हूँ मैं। अरे दुनिया को देख, दुनिया को मोटर साइकिल गाड़ियों में घूमती फिरे, और तेरे माँ बाप पे तो एक मोटरसाइकिल भी ना दी गई। देखो, बहुत हुआ, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत बोलना। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और मैं ना तुमसे बाद में बात करूंगी, जब तुम होश में होंगे। होश होश में तो मैं आज ही आया हूँ, ये सब बात मैं तेरे से होश में ना कर सका। सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत चाहिए थी, इसलिए शराब पी कर आया कि मैं तेरे मुंह पर तेरी सच्चाई बोल सकूं। ओए सुन ले मेरी बात, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, अपनी माँ के पास चली जा। बाप तो तेरा मर गया, तुझे मेरे पल्ले से बांध के और निकल मेरे घर से। 3 लाख रुपये लेगा ये, 3 लाख रुपये अपनी माँ से, उससे पहले घुस मत जाइए, चल निकल। तुम्हें पता तो है मेरी माँ 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगी, और वैसे भी अब तो मेरे पापा भी नहीं रहे, वो अकेली इतने पैसे कहाँ से लाएंगी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। इतने 3 लाख रुपए न लगे, घर में बड़ मची है, निकल। ये क्या कर रहे हो तुम? निकल इससे मेरे घर से अभी। पड़ी है।
माँ बेटी सुमाना, तू अकेले कैसे आई है? है अचानक से कैसे आई तू? दामाद जी कहाँ हैं? माँ मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ। बेटी तो क्यों रो रही है, क्या बात है मुझे बता। दामाद जी ने कुछ कह दी तुझे या उसके घर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया? माँ उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये बोला कि जब तक तेरे पास 3 लाख रुपए नहीं आ जाते ना, घर में घुसने की जरूरत मत करना। तेरे माँ बाप ने मुझे दिया ही क्या है, जब से तू मेरे घर में आई है ना, तूने मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। माँ अब तुम ही बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? बेटी तू चुप हो जा, रो मत। महाराजा ऐसा ना है, मैं उससे बात करूंगी। नहीं माँ अब मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, हम मुझे उनसे सिर्फ तलाक लेना है। सुमन बेटी तू कैसी बात कर रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ माँ मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर तुम दोनों मुझे पढ़ने देते ना, या मेरे ब्याह कितनी जल्दी ना करते, तो शायद आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। पर बेटी परवर कुछ नहीं माँ। बेटी तुझे मेरी कसम है जो आगे से तने तलाक की बात कभी भी करी। ठीक है माँ नहीं करती, पर मैं उस घर अब नहीं जाऊंगी। मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी अब और अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। ठीक है बेटी तू कर ले अपनी पढ़ाई पूरी, मैं ना रोकूं तुझे, चल तू आराम कर ले। ठीक है माँ। माता जी राम राम। राम राम बेटा जी, तेरा बने रहा, बैठ जाओ। और बताओ सब ठीक ठाक? हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप भी ठीक हो और सुमन भी ठीक है? हाँ बेटा भगवान की कृपा से सब ठीक है। राजू अरे दामाद जी को पानी लाइए। राम राम जी। माता जी सुमन ना दिख रही, कहाँ है वो? सुमन सुमन तो बेटा ड्यूटी गई है, गांव के पास ही ड्यूटी लग गई उसकी। चलो जी यू तो बढ़िया। माँ मैं तो सुमन को लेने आया, ये तो छोटी मोटी लड़ाई चलती रहे परिवार में। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो सुमन को समझाती रहूं, जहाँ दो जने रहे वहाँ तो नोक झोंक होती रहे। सुमन भी आने वाली हो रही होगी, इस टाइम ही होगा उसकी छुट्टी। लो देखो यू वाली। और कैसी है सुमन? जिन हालातों में तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, उन हालातों को देखते हुए तो मैं बहुत मजे में हूँ। वैसे आज हमारा घर कैसे याद आ गया तुम्हें? तू कैसे बोल रही है मेहमान से? घर आए मेहमान से ऐसी बात कर रहा है के? आ यहाँ मेरे दौरे बैठ, अकल ही ना तुझे बोलने की। नहीं माँ मुझे कोई बात नहीं करनी इनसे, मैं जा रही हूँ अंदर। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, और चाय नाश्ता मैं राजू के हाथ पहुँचा दूंगी। कोई बात ना बेटा, तू दुखी ना हो, एक साल होगी मेरे दौरे रहते हुए तो थोड़ा गणा तो गुस्सा दिखाओगी तुझे। कोई बात ना माँ, मैं ही करता हूँ इससे बात। सुमन यार मेरी एक बार बात तो सुन ले। हाँ बताओ। यार सुमन मुझे माफ कर, मैं तो पी खा गया तुझे उल्टा सीधा बोलगा, इसका मतलब यू थोड़ी है कि हम अपना घर खराब करेंगे। आप इस गुस्से को छोड़ और अपना सामान पैक कर ले, चल अपने घर चलते हैं। अच्छा तुम्हें एक साल बाद घर याद आ गया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या? जैसे तुमने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे थे ना, वैसे तुम मुझे 5 लाख रुपए दो और मुझे ले जाओ,
अरे तू पागल हो रही है क्या? इतने दिन में तो मेरी नौकरी लगी है, उसमें भी 10,000 रुपए मिले, मैं कहां से 5 लाख का इंतजाम कर दूं? वहां से जहां तुमने मुझे ये कहा था कि 3 लाख रुपए का इंतजाम करके ला, तुम भी करके ला, मुझे क्या पता? सुमन तुझे तो बिल्कुल भी तमीज ना रहे। अरे तुझे नहीं पता ना मेहमान से कैसे बात करी जा? नहीं माँ, सारी गलती मेरी है, मैंने पी खा के दूसरों की बातों में आके अपना घर खराब कर लिया। बेटा तुम अपनी गलती का एहसास हो गया, बस हमें यूं ही काफी है। माँ मैं ये भूल गया कि आदमी की जिंदगी में दुख सुख तो चलता रहे, पर आदमी को मजबूत रह के उनका सामना करना चाहिए, यूं ना कि मेरी तरह कमजोर होकर अपनी बीवी को घर से बाहर ही निकाल दे। माँ मुझे अपनी गलती की सजा तो काटनी पड़ेगी। अच्छा माँ मैं चलूं अब। जी तारा। अच्छा सुनो, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना। ठीक है बेटी, खुश रहो हैं, और अब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए, ये तो नोकझोंक चलती है हमें जीवन में। ठीक है, जा हंसे खुशी रह पड़े। हे भगवान, मेरी बेटी का दोबारा से घर बसा दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओहो, देखो तो इस महारानी को कैसे आराम फरमा रही है। देखो तो कैसे पड़ी है। ए बुढ़िया, अगर तन्ने आराम फरमा लिया हो तो खड़ी होके घर का कुछ काम भी कर ले, इतना बाप करेगा घर का काम? चल खड़ी हो, घर का काम कर। अरे बेटी मैं तो तन्ने कभी लौटती आंख सी लग गई, थक गई काम करते करते, और खेत में इतनी धूप हो रही, खेत का काम कर काइए, तेरे कमर में दर्द हो रहा, तन्ने मगा कमर सूती कर लो। कराऊं तुझे अभी आराम? तुझे तो पूरे दिन आराम चाह, तेरा मन ही ना करता घर का काम करने को, पूरे दिन तेरी कमर टूटी रहे। ये देखो इनकी नौटंकी, कितनी भी करवा लो, वो पड़ी झाड़ू और घर की सफाई कर दे, और पूरा घर साफ चाहिए मुझे, समझ में आई बुढ़िया? कर लूंगी बेटी, मैं कह तो रही हूँ। भगवान ऐसी जिंदगी से ठा ले तो बढ़िया, पर पता ना हम जैसे इनको भगवान भी क्यों ना ले जाता, जिनकी उसके घर में हमारे जैसे इनकी जरूरत ही ना, ये दुख पता ना कब तक देखने पड़ेंगे, करना पड़ेगा काम, और नहीं तो फिर जान खावेगी मेरी। दो घड़ी आराम भी ना करन देती। भगवान, एरी बुढ़िया इतनी आराम आराम से झाड़ू लगा लेगी तो हो गया घर का काम, अभी तो इतने सारे काम पड़े, बर्तन भी, पोंछा भी, और घर का खाना भी बनाना, जल्दी जल्दी सकेल ले। लग गई झाड़ू, हो गया तेरा काम, और फिर भी यहीं बैठगी, जल्दी से खड़ी हो जा, मेरे कपड़े पड़े उन्हें संगवा दे, और बच्चों का भी टाइम हो रहा स्कूल से आने का। सीमा बेटी मुझे पहले रोटी ला दे, मुझे भूख लग रही है और थक गई मैं, अब भूखी प्यासे से काम ना हो रहा, पहले इस पेट में तन से टुकड़ा घेर लूं, जब करूंगी काम। तुझे तो हर टाइम खाने को ही देते रहो, खा खा के थूंद छोड़ रही है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, जाके पहले कपड़े धो ले, फिर खाने को मिलेगा। बेटी अब ना हो रहा मेरे पर काम, खाली पेट मुझे आ रहा चक्कर सा, तू ला दे पहले मुझे रोटी, अब तो मैं रोटी खा के काम करूंगी, जब ही धोंगे कपड़े। जब मैंने तुझसे कह दी पहले
पहले कपड़े दो फिर मिलेगी तुझे रोटी। एक बार की समझ में ना आती तुझे? धो ले अभी ने। सारी बुरसैट ही बुरसैट दे दी दौड़े को पैंट एक भी ना दी बुरसैट बुरसैट दी है दौड़े को पैंट को फिर कल को क्या वेगी ना धो दे। अरे खट्टे दे देती मैं तो जब भी धो रही जब भी सारे धो देती एकदम ही। अरे राम ये तो कमरे टूट गई दिखा है। हो गया तेरा काम बुढ़िया? अब ले ये दो रोटी ठूस ले, भूख के मारे मरी जा रही थी ना तू। बेटी तन से सब्जी ला दे मेरे से ना खाई जा प्याज से रोटी। ऐसा बुढ़िया जो खाने को मिल रहा है ना चुपचाप खा ले, अन्ना इसे भी वापस ले लूंगी। तुझे लगाऊ छप्पन भोग से चाहिए सब्जी। अब ये टसवे ना बहा, जल्दी से रोटी खा ले, अंदर बहुत सारे बर्तन में पड़े उन्हें भी धोने हैं तुझे। बेटी मेरे से आराम आराम से खाई जा रोटी, मेरे डाड में दर्द है, रोटी खा के मैं मांझ लूंगी बर्तन। हाँ माँ, कैसी है तू? क्या माँ, तू भी हर वक्त काम में लगी रहे, कभी रेस्ट भी ले लिया कर। भगवान इतना मजबूर क्यों कर दिया, जो घर छोड़ने को मजबूर होगी। बड़ी बहू ने चैन नहीं लगन दिया जब मैं घर छोड़ी आई। अब छोटे बेटा के दौरे जाकर देखूंगी कैसा रखेगा। इसका छोरा भी जब ऐसी दुखी करेगा ना इसे, तो यू किसके पास जाएगी? मेरा तो छोटा बेटा है, मैं तो उसके दौरे चली जाऊंगी। इसे जब भी पता चलेगी जब इसका छोरा दुखी करेगा इसे। हे भगवान, रवि बेटा, रवि बेटा, अरे खोलिए तन्नक। माँ जी आप यहाँ? आप किसके साथ आई? अरे बेटी मैं किसी की गैर लाई, मैं अकेले आई हूँ। रवि बेटा ना आया? माँ जी आप सारी बात छोड़ो, पहले आप अंदर चलो। आ जाओ।
चक्कर सारा बेटी, एक तो धूप इतनी कैड़ी हो रही है। माँ जी आप बैठो। हाय राम रे, पानी ला दे बेटा जरा सा। बेटा रवि दिखाई ना दे रहा, रवि कहाँ है? माँ जी वो तो बाहर घूमने गए हैं। पर आप यहाँ अचानक कैसे आ गई? बेटी मुझे मारा पीटे ही हो, हर भूख की प्यासी से सारा काम करवा गई, मुझे पेट भरा ही रोटी भी ना दे गई। हम मेर में ना रही इतनी ताकत जो मैं काम करूं। मैं सोची मैं कि अपने छोटे बहू बेटा के धोरक चलूं, अपने मैं वहीं दो रोटी चैन से खा लूंगी। वाह जी वाह, वो तुम्हें परेशान कर रही और तुम हमें परेशान करने आ गई। आपको पता भी है एक आदमी से कितना खर्चा बढ़ता है? माँ जी आप यहाँ से चल जाओ, यहाँ पे जगह ही कितनी है, एक ही तो कमरा है उसमें हम रहते हैं, आप कहाँ रहोगी? बेटी मैं तो एक कोने में पड़ी रहूंगी, कमरे तब अंदर कमरे में लौट जाकर या मैं यहीं पड़ी रहूंगी अपने बरामदे में। अब एक बात बता, मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? तभी तो मेरा सहारा न ऊ रखने को तैयार न तू रखने को तैयार, तो मुझे कौन रखेगा? ऐसा है माँ जी आप यहाँ से खड़ी होइए, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको रख सके। कहाँ जाऊंगी मैं, ना जाऊं मैं तो मेरे बेटे को आ जान दे पहले, अगर वो कहेगा ना चली जा माँ यहाँ से, जब जाऊंगी। वो तो तब आएंगे आते रहेंगे, आप पहले यहाँ से बाहर निकलिए, खड़ी होइए और ये अपना बैग चलिए। चलो अरे चलिए, अरे चलो ना माँ जी। अब आप कहीं भी जाइए और हमें माफ कीजिए, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको रख सके। ये लो अपना बैग। हे भगवान, यो दिन दिखाने से पहले मुझे क्यों ना ठा लिया तन्न इस बेशरम दुनिया में, बाकी कोई कदर नहीं है। कारण समझ रहे हैं, कभी मैंने किसी का एक रुपया उधार का नहीं रखा, आज मुझे भिखारी समझ रहे, कैसा दिन दिखा दिया भगवान तुमने। अम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? आपको कोई परेशानी हो तो मैं मदद करूंगा आपकी। अरे बेटा इस दुनिया में अपने बेटे माँ की कदर न करते तो तू क्या करेगा? अरे अम्मा आप बताइए मुझे, आप इतनी क्यों परेशान हो रही हो? मैं आपकी मदद करूंगा, आप बताओ तो मुझे। बेटा मैं पहले बड़े बेटे के दो रही, वो मुझे खूब मारते थे, सारा काम करवावे मेरे पर, अन्ना खाने को रोटी दे वही,
अब मैं वहां से गांव में से छोटे बेटे के दौर आ गई। छोटी बहू ने एक गिलास पानी भी ना दिया, घर से मार भगा दी। तो बता मैं कहां जाऊं, भगवान भी आग बंद करके बैठा। मेरी माई से मुझे ले जाता भी ना, मुझे ले जाता है तो मेरा जन्म सुधर जा। जब अम्मा भगवान ने सांसें दी है तो खाने का भी इंतजाम भेजा होगा। और पता नहीं क्यों ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने बड़ों की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। बड़ी किस्मत से मिलता है बड़ों का आशीर्वाद। चलो अम्मा आप मेरे साथ चलो। खाने को ला दे, तेरे झाड़ू पोछे ना लग दे, दुनिया के घरों में जाके देख सारे काम हो गए, खा के सो भी गए, इसका काम ही खत्म ना होता, बैठे रहो यहाँ भूखे। मीनू ये कान फूट गए के तेरे, जो सुनाई ना आ रही, इन्हें तो मैं पागल समझ रहा, क्यों ये चिल्ला रही अपने चिल्लाती रह। जी माँ जी। कुछ खाने वाने को बना है ना बना, दुनिया के घरों में जा जा के देख ले, खा के सो भी गई दुनिया। अरे माँ तू क्या बात लेके बैठ गई, तू सारे दिन भाभी के पीछे ही पड़ी रहे, कभी चुप भी रह लेकर, तुमने तो बिल्कुल हद ही कर दी, भाभी कुछ कहती ना तो उनके पीछे पड़ी रहो सारे दिन। माँ तू तो इस बात का घना फायदा उठावे। अरे तेरा शर्म है या नहीं, तू माँ से किस तरीके से बात कर रहा। अरे आज की कोई नई बात है, इसका तो रोज का ड्रामा आयु, इस काली कल्लो के बिल्कुल भी हाथ ना चलते काम को, पर यू ज्यादा इसकी तरफदारी करे। माँ अभी भाई भाभी की शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम उन पे इतना जोर डाल रही हो। अरे बस बहुत बता दी तन्ने बात, और माँ से जुबान लड़ा रहा, क्या दिन की आयु आई हुई। भाई तू ऐसा कैसे कह रहा, बहू है तेरी हो, ब्याह कराया तू इसे। अरे यू तो ब्याह के आई या ना आई एक ही बात है, तू यू बता यू मेरे लिए लाई क्या है, सबको देख, किसी को गाड़ी मिले है किसी को बुलेट मिले है, ना यू मेरे लिए चैन लाई, ना मेरे लिए गाड़ी लाई, ना मेरे लिए बुलेट लाई। अरे कुछ ना मिला वो तो बात ठीक है, पर यू काली कल्लो और आ गई, कम से कम हमारे सुतरी बहु तो आ जाती, मेरे फूल से बेटे की जिंदगी में यू कांटा अटक रहा, और पता नहीं यू कांटा कैसा निकलेगा। अरे माँ यू कांटा पूरी जिंदगी चुभेगा। सुनिए आप हर रोज मुझे इतना कुछ सुनाते हो, फिर भी मैं पलट कर आपको जवाब नहीं देती, ये किसी को नहीं दिखता पूरे घर में, उज्जवल भैया को दिखता है तो आप सब उन्हें गलत समझते हो। भाभी मुझे सब बेशक गलत समझ रहे हैं, कोई चिंता ना, चिंता तो इस बात की है तू कुछ कहती ना फिर भी ये तेरे पीछे पड़े रहे। देख तो तू गरीब घर की आई, ना तू सोनी सुतरी, ना तेरे माँ का हुनर कुछ, ना ऊपर से दहेज लाई है, तेरे तो भाग खुल गए मेरे घर में आके, पर मारे भाग फूट गए तुझे घर में लाके। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है, आपको तो पता है मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी करके तो घर चलाते हैं, वो मेरे अलावा आपको क्या देते। माँ अगर इतनी परेशानी थी इतना ही माल चाहिए था, क्यों करी फिर भाई की शादी भाभी से। अरे ये सब तेरे बाप का करा धरा, तेरे बाप ने लागा बाड़ी ही काली कर लो, अन्नी मेरा जैसा बेटा सोना सुतरा देर नहीं होता, मैं लड़की की लैन लगा देती लैन, अरे एक से एक पढ़ी लिखी फोड़ दिए मेरे छोरे के नसीब नाश गए ने। माँ पापा ने ठीक करा जो भाभी घर में लिया है। माँ एक बार में किसी पे ना आता काम करना, सीख जाओगी धीरे धीरे। माँ मुझे लगा भगवान ने गलत कर दिया, ब्याह मेरा और मीनू का ना होना, ब्याह तो इसका होना मीनू से। अरे ऐसा ही तेरा बाप है, ऐसा ही हुआ है। बहुत जुबान चल रही है तेरी, तू केला आई थी इस घर में जब तेरा मेरा ब्याह हुआ था, हाथी घोड़े सोने चांदी लाई थी तू। केला थी मैं गरीब थे तुम, अरे मेरे आए पे तो मालदार हुई है, सोने चांदी अरे लाती जी ने तो इनके घरे सोने चांदी धरे, ऐसा मुझे सुनाने की जरूरत ना कुछ भी, तो मैं कुछ काम ही ना, और जब देखो मुझे कहने को लग जाओ। कुछ काम बहुत काम है मुझे, और तन्ने कुछ ऐसा काम करा कर दी जो मैं तेरी तारीफ करूं। गलती मेरी हो या ना हो हमेशा सुनाएगा मुझे ही, अरे मैंने के बिगाड़ दे तेरी से लाडली बहू का, मैंने इसका गोली ना मार दी। पापा तुम माँ को क्यों सुना रहे हो इस मीनू की वजह से, यू तो है ही काम चोर। ऐसा है चुप हो जा तू, कुछ शर्म कर, बड़ा बेटा कहते हुए शर्म आवे मुझे, जो तू काम कर रहा ना इसे देख के भगवान तुझे नरक में भी जगह नहीं देने का। इसने के बिगाड़ दे थारा, इसे क्यों सुना रहे हो। बीच में बोलने का क्या मतलब है तेरा, तुझे पता नहीं कि मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, जब तेरे से बात करूँ जब दिए जवाब,
मैं अपने बेटे को यूं देख रहा हूँ कि इसमें इंसानियत है कि नहीं है। अरे पापा मैं इंसान ही तो हूँ, तो इंसानियत तो होगी ना मेरे में। नहीं बेटा, गलत सोच है या तेरी, कोई इंसान जानवर भी बन सकता है। तुम क्यों इसके पीछे लग रहे? मका चुप हो जा तू, तेरा ही बिगाड़ा हुआ है यो। अरे नहीं तो ऐसा नहीं था यो। पापा आपको हो क्या गया, बात तो बताओ। हो ये रहा है कि तेरा घर बिगड़ रहा है और बिगड़वा रही है तेरी माँ। और सारे ध्यान से सुन लो, अगर बहू को कोई से ने कुछ कहा ना तो सारा को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने ना थारी लाडली बहू को गोली मार दी। गोली ना मारी तन्ने, रोज पता नहीं क्या कहवे बहू को। गलती को गलती ठहराया जावे आदमी को। उषा तू समझ, आगे पता लगेगी तुझे इस बात का। पिताजी आप गुस्सा मत कीजिए, ये सब मुझे कुछ नहीं कहते, वो तो माँ बस मुझे काम करने का तरीका बता रही थी। भाभी झूठ ना बोलो आप, पापा जो आप समझ रहे ना वो बात बिल्कुल सही है। भाभी तो भलाई करना चाहे और बेचारी को बुराई मिले। उज्जवल अपनी हद में रह, छोटा तो छोटा बन के रह, आज तो तन्ने बिल्कुल हद पार कर दी। बेटा मैं तुझे एक बात समझा रहा, पहली बात तो उज्जवल कुछ गलत नहीं कह रहा, गलत तो तू है। अगर कोई सुख दुख में साथ देगा तो तेरी बहू मीनू देगी, आई समझ में? अगर जो तू इसकी गरीबी पर सांवले पन पे जा रहा ना तो वो ठीक नहीं है। अब तुम सारे चुपके खड़े हो जाओ, मेरे कान पक गए थारी बात सुनता सुनता। मीनू जा तू खाना बना, भूख के मर गए, सवेरे से 2 बज गए। भाभी एक गिलास पानी दे दिए। लाई देवर जी। क्या है यू? भाई तू पागल है क्या? क्या हुआ? भाभी मुझे पानी तो दे रही थी। अजी क्या हुआ? हो क्या रहा है यू? भाई तू पागल है क्या? तू गलत समझ रहा, भाभी मुझे पानी तो दे रही थी। अरे तेरे हाथ ना टूट रहे, पानी तो खुद भी लेके पी सके, और मुझे तो इसकी बात समझ में ना आती। मैंने क्या कर दिया जी? एक पति से तेरा काम ना चल रहा, जो तू मेरे भाई पे भी डोरे डालने लगी। भाई तू गलत समझ रहा, ऐसा कुछ भी ना है। वाह भाई वाह, देख कितनी बढ़िया बन रही है, गलती करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटते है। भुक्कड़ घर की, तू गरीब घर की, मारे घर में आके बढ़ गया, नाश कर रही है मेरे घर का, मेरे दोनों छोरे इन पे लाइन मार रही है तू। माँ जी आप मुझे क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ, तुझे सब समझ रही हूँ, और तू भी खाली कल्लो के चक्कर मारा, तुझे भी कुछ और दिखाई ना दे रहा। पर केक रहे जब ये अपना ही सिक्का खोटा हो रहा, दूसरा केक है। माँ जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो देवर जी को पानी दिया है, क्या पानी देना भी गुनाह है? इन्होंने भी मुझे थप्पड़ मार दिया। माँ इसके मुंह पे 2-4 और मार, इनकी आंखों में तो शर्म है ना, ये तो सरेआम मस्ती कर रहे हैं। बस कीजिए आप सब, हद होती है किसी बात की। मैं गरीब हूँ, क्या गरीबी मैंने जानबूझकर चुनी है? और राघव जी आप, शर्म आनी चाहिए आपको किसी शादीशुदा के ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लगाते हुए। और उज्जवल को तो मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ, और आप हम पर ऐसे गंदे इंजाम लगा रहे हैं। और भाई सुन मेरी बात, तू भाई है मेरा, ऐसा करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। भाभी को मैं माँ समान मानता हूँ। मुझे तो यूँ बात समझ में ना आ रही कि रोज रोज का कलेश क्यों हो रहा घर में, यूँ बहू है बेटा। इस कलेश का कारण तू है, यो जो हो रहा है ना इस घर में सब तेरे कारण हो रहा है। अगर तू चाहती ना तो इस कलेश को खत्म करवा सकती, पर नहीं, तुझे तो पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चांदी चाहिए। मैं क्या करूँ जी, मैं तो इस रोज रोज के कलेश से तंगाली घर में, तुम तो मुझे कहल लगो, मैं तो यहाँ थी भी ना, इनकी तो पहले ही लड़ाई बज रही, ले और मेरे को कहल लगो। माँ आप भाभी की जगह खुद को रख कर देखो, अगर हमारी दादी ऐसा करती आपके साथ तो आप कैसे करती? जब तू इस घर में आई थी तो तेरे पे भी तो घर का पूरा काम करना नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने तुझे समझाया, तुझे सिखाया, तेरे काम में हाथ बटवाया, तो तू अभी से क्यों ना सिखाती? मेरे सास ने तो हर काम में मेरा साथ दिया, सब काम सिखाने में। तो माँ जी आप भी तो थोड़ा मुझे समझो, मैं भी धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। पर नहीं, आप तो मुझे दहेज का ताना मारती हो कि मैं गरीब हूँ, अपने घर से कुछ नहीं लेकर आई। माँ जी मुझे भी दुख होता है, थोड़ा मुझे भी समझो। मैनू मुझे माफ कर दे, मैं ही तुझे नहीं समझ पाया, कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है, और मैं ही तेरे सांवलेपन का हमेशा मजाक बनाता रहा,
मुझे आज पता लग गया हम सफर से बड़ा कोई भी साथी नहीं होता। जितना साथ हम सफर दे सकता है ना, इतना कोई नहीं दे सकता। बेटी मुझे माफ कर दे, आज राघव के पापा ने मेरी आँख खोल दी। मुझे एहसास दिवा दिया कि मेरी सास मुझे कितनी सपोर्ट कर रही, मुझे सारा काम सिखा रही, और कभी भी उन्होंने मुझे दहेज का ताना नहीं मारा। गलती हुई है जो उसे क्षमा कर दे। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैंने आपको अपनी सगी माँ माना है, और मैं ये सब भूल कर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अपने पति, भाई, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे भी माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। अब हो गई हमारी हैप्पी फैमिली, मैं यही तो चाहता था। एक पिता ने अपनी बेटी दे दी तो सारा दान दहेज दे दिया। दान दहेज की इच्छा बिल्कुल ना करे और अपने परिवार को बनाए रख। बेटी से बड़ा दान दहेज कुछ नहीं होता। और दहेज की इच्छा, दान दहेज की इच्छा बिल्कुल ना करे, अपने परिवार को बनाए रख।